हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी की ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे आदर्श गैसों के गैस लाज, लाज वो परफेक्ट गैसें। उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बोयल्स लॉ, बोयल का नियम। बोयल्स लॉ क्या होता है? बोयल्स लॉ किसी भी आइडियल गैस या आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर के प्रतिलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि तापमान स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, आइसोथर्मल। तो ये है अपना बोयल्स लॉ। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें क्या गैस कौन सी ली गई है? इसमें आदर्श गैस। तो गैस दो प्रकार की होती है, वास्तविक गैस और आदर्श गैस। तो आदर्श गैस हम उसको बोलेंगे कि जो विभिन्न गैस नियमों का पूर्णतया पालन करती है, उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। और जो पूरी तरह से सभी गैस नियमों का फॉलो नहीं करती या पालन नहीं करती, उनको हम वास्तविक गैस बोलते हैं, आदर्श गैस नहीं बोलते हैं। तो यहाँ ये जो बोयल का नियम है, इसमें गैस कौन सी ली गई? आदर्श गैस ली गई है। दूसरा, इसमें निश्चित मात्रा का आयतन, इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो एक तरह से क्या है? क्लोज सिस्टम है, इसमें क्लोज सिस्टम है। तीसरी, इसमें बात क्या की गई है कि तापमान स्थिर रहे, उस सिस्टम के अंदर का जो तापमान है वो हमें कॉन्स्टेंट रखना, स्थिर रखना है। फिर हमें दो वेरिएबल की स्टडी करनी है, तो दो वेरिएबल कौन से हैं? वो निरपेक्ष दाब और आयतन, उनमें दोनों में क्या रिलेशन है, दाब बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही बोयल का नियम बताता है। तो डेफिनेशन या जो परिभाषा के अनुसार बोयल्स का लॉ क्या है कि जो आयतन है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के प्रतिलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि जो प्रेशर है, प्रेशर कौन सा लिया हमने? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जो जीरो से ऊपर हो। अगर प्रेशर की बात करें, जैसे वायुमंडलीय दाब है, उसको हम अगर जीरो से ऊपर नाप रहे हैं तो एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब से ऊपर या नीचे नाप रहे हैं तो वो फिर क्या होगा? गेज प्रेशर होगा। तो प्रेशर को एक्चुअल में एक होता है प्रभापी दाब या गेज प्रेशर, जो पॉजिटिव होता है, जो वायुमंडल दाब से ऊपर मापा गया दाब वो होता है गेज प्रेशर। दूसरा, वायुमंडल दाब से नीचे या उससे कम जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो एक तरह से शून्य से शुरू होता है, और शून्य के ऊपर जितना भी है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यह हम जो बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मींस पी ए, अगर पहले इसकी स्टडी कर ले अपन, एब्सोल्यूट प्रेशर है पी ए, मतलब पी एब्सोल्यूट इजिकल टू पी बैरोमेट्रिक प्लस पी जी। जी यहाँ पर गेज प्रेशर है, तो गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव होता है उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो जब गेज प्रेशर पॉजिटिव है तो ये एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर ये हो जाएगा, और जब ये वैक्यूम है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी माइनस पी वैक्यूम बोल सकते हैं उसको। तो ये प्रेशर हमें लेना है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, न तो वैक्यूम प्रेशर की बात कर रहे हैं।
और न ही गैस प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की जा रही है और न ही वायुमंडलीय प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, कि अगर पी की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू घटेगी। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जो सिस्टम है वो एक तरह से क्लोज सिस्टम है। हाँ, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे अगर एक सिस्टम की बात करें कि ये एक कोई सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, ये है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम की क्या पहचान है? तो क्लोज सिस्टम वो है कि उसके अंदर मात्रा निश्चित रहेगी, उसमें द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन हीट का आदान प्रदान हो सकता है, उष्मा सिस्टम के अंदर आ सकती है और जा सकती है। तो यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है। अगर हम, तो यहाँ से क्या होगा, हीट का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन जो मास है उसका नहीं होगा, मास का आदान प्रदान नहीं होगा। और ये हीट का आदान प्रदान क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है, वो कांस्टेंट रखना है, तभी बॉयल्स का लॉ फॉलो होगा। अब इसको हम डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। जैसे पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट लेते हैं, उससे हमें इसका जो ग्राफ है पी और वी के अंदर वो भी पता चल जाएगा किस तरह से होता है। ये अगर कोई हम सिलेंडर लेते हैं और इसके अंदर एक पिस्टन लगा देते हैं, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है, तो ये जो पिस्टन है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। तो इसको हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। तो ऊपर हम अगर एक ग्राफ लें तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। पी और इस लाइन पे लेते हैं हम वी वॉल्यूम। तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो मान लेते हैं हम, ये पोजीशन है वन, वन पोजीशन है, ये पॉइंट है वन। उसके बाद जो हम पिस्टन को आगे की तरफ दबाते हैं तो पिस्टन की जो पोजीशन, नई पोजीशन है, वो यहाँ से मूव करते हुए, और मान लेते हैं वो पिस्टन यहाँ आ जाता है, ये यहाँ से मूव करते हुए इस पोजीशन तक आ जाता है, यहाँ तक पिस्टन आ गया। तो जो नई पोजीशन है वो नई पोजीशन ये मान लेते हैं टू। तो एक से और दो तक जो हम इसको कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये प्रेशर बढ़ा, लेकिन साथ में जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ता इधर है और घटता इस डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यहाँ की अगर वन की बात करें तो वन पर जो प्रेशर है वो ये है पी वन, और टू पर है पी टू। इसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम है वी वन और यहाँ पर वॉल्यूम है वी टू। तो ये इसका ग्राफ में हम इस तरह से शो कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को। तीसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो ये पिस्टन को हम जब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं
ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ। तो उस टाइम जब कंप्रेस होगा तो इसके अंदर जो जो आइडियल गैस है, हमने गैस कौन सी ली, आइडियल गैस, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें टेम्परेचर को फिक्स रखना है, तो उस टाइम हीट का जो आदान प्रदान है, तो हीट ये जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर की साइड में निकलेगी, तभी टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर बाउंड्री वाल हीट को बाहर जाने से रोकेगी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, तो हीट यहाँ पर बाहर जाएगी। तो इस तरह से जो बॉयल्स लॉ है, तो वह एक तरह से प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन है। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एफ फंक्शन ऑफ टी एंड वी इज इक्वल टू जीरो। ये इसका एक तरह से स्टेट इक्वेशन भी है, या उसको अवस्था समीकरण भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट है वो हम सी लेते हैं, तो वो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू सी। अगर हम इसको दो स्टेट के लिए बात करें, पी वन और पी टू के लिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें पॉइंट एक पर, तो एक पर ये हो जाएगा एक तरह से पी वन वी वन इज इक्वल टू सी। दूसरा दो नंबर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा पी टू वी टू इज इक्वल टू सी। तो सी दोनों में कॉमन है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, अगर अलग अलग जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर, यहाँ पर, तो जो भी पॉइंट हो, तो वहाँ पर पी इंटू वी ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू पी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा है बोल्स लॉ। अगला जो नियम है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ या चार्ल्स का नियम, तो ये नियम क्या कहता है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होगा यदि दाब स्थिर रखा जाए। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक तो निश्चित मात्रा, तो जहाँ पर निश्चित मात्रा आ गई तो दिस मीन्स सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम, हीट का आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है, प्रेशर कांस्टेंट है और किसी भी गैस, यहाँ पर आइडियल गैस भी ले सकते हैं और जो एक्चुअल गैस है, वास्तविक गैस है, वो भी ले सकते हैं। तो सभी में ये फॉलो होगा कि किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो उसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होगा। अगर दाब स्तर रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ पर कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो सिस्टम में हीट देनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर घटाना है तो सिस्टम से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जब सिस्टम में हीट दी जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर इस बाउंड्री की बात करें, तो ये बाउंड्री बाउंड्री का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बाउंड्री फैलेगी, और वर्क डन बाई सिस्टम होगा, सिस्टम का सराउंडिंग पर कार्य होगा,
और अगर दूसरा अगर हीट निकाली जाए तो उस टाइम बाउंड्री सिकुड़ेगी, तो वो इस तरह से हो जाएगी। इस टाइम वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैसे करें, तो प्रेशर हमें फिक्स रखना है। तो प्रेशर एक तो जो वायुमंडलीय दाब है ये हर जगह पर एक जैसा रहता है, तो इसको हम काम में ले सकते हैं कि जैसे कोई गेज है और वो कोई प्रेशर नाप रही है, जैसे, या अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किससे नापते हैं, हम थर्मोमीटर से नापते हैं। और थर्मोमीटर के अंदर पारा बढ़ाता है, पारा टेम्परेचर के साथ में उसका आयतन बढ़ता है और वो ही इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि उसका वॉल्यूम घट जाता है। या इसकी जगह हम और भी कोई दूसरा सिस्टम ले सकते हैं। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं वो पारा लिक्विड है, तो वहाँ पर ये चार्ल्स नियम नहीं लगेगा। हमें जो नियम है वो गैस पे लगाना है। तो गैस आइडियल भी हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है, वास्तविक हो सकती है। तो अब अगर हम एक सिस्टम लें और उसको हम समझना चाहें, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक पानी का बीकर लेके उसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं, वो क्या शो करेगा कि टेम्परेचर शो करेगा। दूसरा हम एक ऐसे सिस्टम लेते हैं जिसमें कोई भी एयर भर देते हैं या कोई गैस भर देते हैं, किसी भी तरह गैस भर देते हैं, उसके ऊपर कोई ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में ऊपर पारा लगा देते हैं। तो पारा क्या होगा, जो ही अंदर की गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो पारा ऊपर की तरफ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ हमने एक बड़ा बीकर लिया और इसके अंदर हमने एक तो थर्मामीटर लगाया, ये थर्मामीटर, यहाँ पर जो रीडिंग रहेगी थर्मामीटर की रीडिंग। दूसरा हम एक सिस्टम लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ये सिस्टम लिया है, और तीसरा स्केल जो वॉल्यूम को नापने के लिए, ये हमने स्केल ली है जो वॉल्यूम को नापेगी, और इसके अंदर हम भर देते हैं पानी, एक हाइट तक हम पानी भर देते हैं। तो यहाँ पर ये पानी भर दिया हमने। पानी को जब भी गर्म करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली धीरे धीरे गर्म होता है, और उसके अंदर पानी के अंदर जो भी आइटम रखे हुए हैं वो भी गर्म होंगे। ये हमारा होगा थर्मामीटर, ये थर्मामीटर, थर्मामीटर, दूसरा हम लेते हैं थर्मामीटर का काम टेम्परेचर नापना होता है, और जो पैमाना है वो इसका आयतन नापेगा, तो इस तरह से
हम एक बार इसको वापस से शो करते हैं। ये थर्मामीटर हो गया। यहाँ तक हमने ये हमने पारा लिया है, या तो पारों को हम दूसरे कलर से डिनोट कर सकते हैं। ये पारा लिया है, और जो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के अंदर हमने एक्चुअल या आइडियल आइडियल गैस ली है। यहाँ पे जो स्केल, ये स्केल है, ये वॉल्यूम नापेगी। तो जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हम स्केल जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर अगर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये पारा जो लिया हमने, तो पारा ऊपर की तरफ खिसकेगा। तब जो इसको हीट करेंगे हमने, अगर इसको हीट करते हैं, तो जब भी हीट करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट से पानी गर्म होगा और पानी से ऊष्मा इस सिस्टम को जाएगी, तो यहाँ एक तरह से हीट जाएगी। हीट जाने से अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से इसका आयतन बढ़ रहा है, और ये जो पारा लिया है इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर है ये हमेशा एक जैसा प्रेशर रहेगा। पी एटमोस्फेयर प्रेशर है, वही लगा रहेगा हमेशा। जब पारा ऊपर जाएगा तो भी वही प्रेशर है, जब नीचे आएगा तो भी वही प्रेशर है। पारा एक तरह से पिस्टन का काम कर रहा है। तो इसको अगर हमने पहले अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड अगर 0 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री पर भी जो सिस्टम है उसके अंदर जो गैस है उसका कुछ न कुछ आयतन होगा। उस आयतन को हम मान सकते हैं V0। V0 आयतन कब लेंगे? V0 कब? जब T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस हो, उस टाइम हम जो आयतन है उसको लेंगे V0। तो अब ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, V इज इक्वल टू CT डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस V0। अब एक तरह से V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तापमान के समानुपाती है, और V0 ये है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके, और जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम भी सिस्टम में जो गैस है उसका कुछ न कुछ आयतन होगा। और अगर हम इसी स्केल को और पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, और अलग अलग गैस और अलग अलग प्रेशर पर इसका बिहेव क्या होगा। यहाँ पर जो हमने प्रेशर लिया है वो वायुमंडलीय प्रेशर लिया है, अगर अलग अलग प्रेशर लेना है तो इसके लिए हम एक दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि कोई पिस्टन लेते हैं हम, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के साथ में हम एक पिस्टन लेते हैं,
ये पिस्टन है और पिस्टन पर एक फिक्स वेट का बाट रख देते हैं कि मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का है। तो अब इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो 2 किलोग्राम के हिसाब से है। अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हम 2 की जगह 5 किलोग्राम ले सकते हैं, 10 किलोग्राम ले सकते हैं। तो पहला हमने मान लेते हैं जो प्रेशर है वो हमने लिया, इसको मान लेते हैं P1 प्रेशर। तो इसका जो ग्राफ है तो ग्राफ हम इस तरह से खींच सकते हैं कि ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे हम, आयतन और यहां पर लेंगे हम V आयतन वॉल्यूम, और जो एक्स एक्सिस है इस पर लेंगे हम टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 से लेके और इधर जाएगा तो टी, और उसमें अगर हम एक निश्चित टेम्परेचर की बात करें वहां पर अगर इसकी ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ अलग अलग प्रेशर पे इस तरह से आता है। ये प्रेशर P1, ये P2 और ये P3। तो अगर हम सिंपल लॉ की बात करें डिग्री सेल्सियस में लें तो हर प्रेशर के साथ में एक फिक्स वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसकी बात करें, पी की बात करें P1 पे, तो ये जो पॉइंट है ये एक तरह से इसका V0 है। अगर P2 प्रेशर की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये V0 है। P3 की बात करें तो ये यहाँ पर V0 है। अब अगर किसी तरह से टेम्परेचर को और कम करें, मतलब 0 डिग्री से नीचे ले जाएं, तो सभी गैसों पर ये पाया गया एक्सपेरिमेंट करने से कि जो नया जो मूल है कोई भी गैस ले वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है और उस पॉइंट को एब्सोल्यूट 0 के नाम से बोलते हैं। अब इस सभी को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो नया पॉइंट है ये है एब्सोल्यूट 0, एक तरह से न्यू ओरिजिन, और इसको 0 केल्विन के नाम से बोलते हैं। ये नई स्केल भी हो गई, केल्विन स्केल हो गई। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। जो जितनी भी आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर वो जो गैस है या तो लिक्विड में बदल जाएगी और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगी। गैस अवस्था में रहेगी, वहाँ पर गैस ला नहीं लगेंगे। जो आइडियल गैस है उसको हम मान के चलते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन अभी तक एब्सोल्यूट 0 तक पहुँचा नहीं गया। ये एक तरह से थर्ड लॉ भी है कि एब्सोल्यूट 0 तापमान तक पहुँचना असंभव है, काफ़ी पास तक हम जा सकते हैं। तो ये जो अपना सेकेंड लॉ था ये है चार्ल्स लॉ। तो हमने 2 लॉज के बारे में स्टडी की। अब इसके बाद हाँ, अगर अब जो नया नियम है तो नया नियम क्या आएगा, जो पहला का जो नियम था वो अपना था, पहले के हिसाब से हम क्या लिख लेते हैं, V = CT + V0। तो ये जो लॉ है ये अपना लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब हमने और टेम्परेचर कम कर दिया तो एक नई स्केल भी मिल गई, केल्विन स्केल। और इसके लिए अगर एब्सोल्यूट 0 या जो टेम्परेचर हम अगर केल्विन में लें तो फिर अपना जो नियम है वो नियम क्या हो जाएगा, वो नियम अपना हो जाएगा V = CT, और वो किस पर लगेगा, वो यहाँ से लेके जो एब्सोल्यूट 0 है वहाँ से लेकर इस पूरे पे लागू होगा।
और जो डेफिनेशन है वो एक तरह से निरपेक्ष तापमान के लिए दी गई है कि किसी भी गैस, यहाँ पर जो गैस है, गैस कोई सी भी आइडियल भी ले सकते, कोई भी किसी भी गैस की निश्चित मात्रा, तो ये सिस्टम बंद है, यहाँ से द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो रहा। हाँ, अब इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट अंदर की तरफ जाएगी, और घटाना है तो हीट बाहर की तरफ जाएगी। तो निश्चित मात्रा का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होगा। तो निरपेक्ष जो तापमान है वो एक तरह से ये जो केल्विन स्केल है ये निरपेक्ष है, ये समानुपाती होगा। तो ये जो अपना रूल है ये है चार्ल्स द, इसको हमने डिटेल से पढ़ा। अगले सेशन में हमें जूल्स ला और एवोगैड्रो ला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, आपने वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखा सुना, धन्यवाद।